बाहर की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है KMC हेल्थ सिटी एंड KMC कैंसर इंस्टीट्यूट, उत्तरी भारत का आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त चिकित्सा संस्थान, बागपत रोड, मेरठ। गुवाहाटी में आज राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि 1930 के बाद से ही देश में मुसलमानों की आबादी बढ़ाने की साजिश की जा रही है। आबादी बढ़ाकर कुछ लोग हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। देश के विभाजन के बाद भारत ने अल्पसंख्यकों की चिंताओं को सफलतापूर्वक दूर किया, लेकिन पाकिस्तान ने नहीं। उन्होंने हजारों उत्पीड़ित हिंदुओं, सिखों और जैन परिवारों को घर बार छोड़ने और भारत आने को मजबूर किया। CAA उन शरणार्थियों की मदद करता है, इसका भारतीय मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। मोहन भागवत ने यह भी कहा कि सभी देशों को यह जानने का अधिकार है कि उनके नागरिक कौन है। यह मामला राजनीतिक क्षेत्र में है क्योंकि इसमें सरकार शामिल है। लोगों का एक वर्ग इन दोनों मामलों को सांप्रदायिक रूप देकर राजनीतिक हित साधना चाहता है। भागवत ने कहा कि सरकार का यह कर्तव्य है कि वह अनाधिकृत रूप से बसे लोगों की पहचान करे ताकि वह अपने लोगों के फायदे के लिए कल्याणकारी योजनाएं बना सके। पेगासस जासूसी मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। एडवोकेट मनोहर लाल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में SIT जांच की मांग की है। पेगासस जासूसी मामले को लेकर देश के कई विपक्षी नेता मोदी सरकार को घेरने में जुटे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की मांग कर रही है। हालांकि सरकार इस जासूसी के मामले को संसद में ही खारिज कर चुकी है। राज्यसभा में पेगासस खुलासे पर गुरुवार को एक बार फिर से जोरदार हंगामा हुआ और नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। मार्शल को बीच बचाव के लिए आना पड़ा, जिस वक्त सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव राज्यसभा में अपना बयान पढ़ रहे थे। TMC सांसद शांतनु सेन ने उनके हाथ से पेपर लेकर फाड़ दिया। विपक्ष के हंगामे के बाद राज्यसभा को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। भारत और दुनिया के कई देशों में उधम मचाने वाला पेगासस आखिर है क्या, यह सवाल उठना लाजमी है। आइए बताते हैं। दरअसल NSO ग्रुप पेगासस स्पाईवेयर का लाइसेंस बेचती है। एक दिन के लिए लाइसेंस की कीमत 70 लाख रुपए तक होती है। एक लाइसेंस से कई स्मार्टफोन हैक हो सकते हैं। 500 फोन को मॉनिटर किया जा सकता है। एक बार में 50 फोन ही ट्रैक हो सकते हैं। 2016 में पेगासस के जरिए 10 लोगों की जासूसी का खर्च करीब 9 करोड़ रुपए बैठता था। इसमें करीब 4,84,00,000 10 फोन को हैक करने का खर्च था। करीब 3,75,00,000 रुपए इंस्टॉलेशन फीस के तौर पर चार्ज किए जाते थे। एक साल की लाइसेंस फीस करीब 60 करोड़ रुपए के आसपास बैठती है। भारत में करीब 300 लोगों की जासूसी का आरोप पेगासस पर लगा है, यानी अगर 2016 के दाम पर हिसाब किताब किया जाए तो ये रकम 2700 करोड़ रुपए बैठती है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन शुरू हो गया है। सिंधु बॉर्डर से जंतर मंतर पर 200 किसान पहुंचे। इस साल 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में हुई हिंसा के बाद यह पहला मौका है जब विरोध प्रदर्शन करने वाले किसानों को शहर में प्रवेश की अनुमति दी गई है। दूसरी तरफ राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस के सांसदों ने संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। किसान आंदोलन को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वे असत्य, अन्याय, अहंकार पर अड़े हैं। हम सत्याग्रही, निर्भय, एकजुट यहाँ खड़े हैं। जय किसान।